परिणाम ये हुआ, वेश्या के साथ में ही भोजन करता है, यहां तक कि मदरा पान भी करने लगा। धीरे धीरे सारा धन उसका खर्च होने लगा, धन की कमी आने लगी, तो वो चोरी करने लगा धुंधकारी की तरह। प्रेम से बोलो हर हर। एक दिन उसके माता पिता ने ज्यादा विरोध किया, और जब उसने विरोध किया तो देवरात को बड़ा क्रोध आया। उस देवरात ने अपने माता पिता और अपनी पत्नी तीनों को ही अपने हाथों से मार दिया। मात्र पितृ हंता का दोष उसको लग गया, अपनी धर्मपरायण नारी की भी हत्या उसने कर दी, और हत्या करने के बाद में गांव के लोगों ने उसका तिरस्कार कर दिया, समाज से बहिष्कृत कर दिया, समाज से निकाल दिया उसे। और जब समाज से निकाल दिया गया ना, तो देवरात गांव को छोड़ करके और घूम रहा है, घूमते फिरते गांव से बाहर एक शिवालय में शिव जी के मंदिर में पहुंचता। शिव जी के मंदिर में पहुंचा, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, पीने की कोई व्यवस्था नहीं, भूखा प्यासा शिव रात्रि उस मंदिर में ही रुका। शिव मंदिर में रुका ना तो पूरी रात्रि मंदिर में ठंडे ठंडे फर्श पर पड़ा रहा, ठंडी ठंडी हवा लगी, परिणाम उसको वहां भयंकर ज्वर आ गया, ज्वर यानी बुखार। प्रेम से बोलो हर हर। जब बुखार आया ना, तो बुखार के कारण से उसका शरीर तप रहा, उसके शरीर को बड़ी भयंकर पीड़ा हो रही है, परंतु उसकी वहां कोई सेवा शुरू करने वाला नहीं। अब करेगा सेवा कौन, वैश्या थोड़ी करेगी। वैश्या ने देख लिया इसके पास पैसा नहीं है, तो वैश्या तो उसको छोड़ के चली गई, धर्मपत्नी जिसको मार दिया और माता पिता है उनको भी मार दिया। और संयोग देखिए, मेरे श्याम सुंदर की, मेरे भोले बाबा की जिसपे कृपा होती है ना, तो कृपा फिर कैसे होती है। जिस मंदिर में वो देवरात रुका है ना ब्राह्मण, उस शिवालय में उसको बुखार आया है ना, उसी शिवालय में दिन में एक पंडित जी शिव महापुराण की कथा कहते हैं। प्रेम से बोलो हर हर। शिव महापुराण की कथा, वो ब्राह्मण कहते हैं चलने फिरने में लाचार है, जो बुखार के कारण से उससे चला फिरा नहीं जाता, और शिव महापुराण की कथा वो पंडित जी कहते हैं, तो वहां बुखार से पीड़ित देवरात ब्राह्मण वो भी कथा सुनता है। पापी है, उसके मन में पापी विचार पर कथा सुनना, अनमने मन से उसने कथा सुनी। कथा हमारी तरह आपकी तरह नहीं सुनी कि हम स्वयं घर से चल करके आए, अपनी इच्छा से आकर के स्थान ग्रहण किया, बैठे बैठ करके कथा सुन रहे, परंतु हम तो आए चल करके सुनने के लिए हैं। उस देवरात को सुननी पड़ रही है, उसकी आश्रय की प्रवृत्तियां इतनी थी, अगर वो स्वस्थ होता तो सुनता नहीं, परंतु ज्वर के कारण से उसके शरीर में इतनी वेदना है कि वो लाचार है, चलने फिरने में वो कहीं आ जा नहीं सकता। पड़ते बुखार में रहते रहते उसने 9 दिन तक शिव महापुराण की कथा को सुना, और शिव महापुराण की कथा सुनी ना, तो शिव महापुराण में सूजी महाराज कहते हैं कि देवरातस्य मा शांति ज्वरेणाम पीड़ितो मृतः। शिव महापुराण श्रवण करने से, नौद्री की कथा के सुनने के बाद में 1 महीने के बाद में देवरात की मृत्यु हो जाती है, और जब मृत्यु हो गई ना, शिव मंदिर में शिव महापुराण सुनने के ठीक एक महीने बाद मृत्यु हुई। और जैसी मृत्यु हुई ना, तो यमपुरी से उसको लेने के लिए यमदूत आए। प्रेम से बोलो हर हर। जैसे ही यमदूत आए ना, तो यमदूत उसी की अंतर आत्मा को लेकर के बांध करके यमपुरी को लेकर के जाने लगे। तभी भगवान शिव के भोलेनाथ के जो गढ़ हैं, पार्षद हैं, वो प्रकट हो गए।
गौर वर्ण है, त्रिशूल हाथ में है, त्रिपुंड माथे पे लगा है, रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं, देखने में साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप नजर आते हैं। ऐसे शिव पार्षद प्रकट हो गए और कहा, सुनो इस देवरात को आप लेके नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले इसने शिव महापुराण की कथा सुनी है। शिव महापुराण की जो कथा एक बार सुन लेता है ना, उसे फिर यमपुरी का दर्शन नहीं करना पड़ता। प्रेम से बोलो हर हर। बोले क्यों? बोले वो इसलिए नहीं करना पड़ता, एक होती है माता, एक होती है पिता। तो देखिए बंधु, भागवत कथा जो है हमारी माता पिता है, भागवत कथा हमारी पिता है, देवी भागवत कथा हमारी माता है, भागवत कथा हमारे पिता और देवी भागवत कथा हमारी माता। और शिव महापुराण क्या है? बोले माता और पिता दोनों मिलकर के अर्ध नारीश्वर स्वरूप होकर के भगवान शिव का अर्ध नारीश्वर स्वरूप बन जाता है, वही शिव महापुराण, वही महा शिव महापुराण। तो भगवान अर्ध नारेश्वर का ये शिव ग्रंथ की कथा श्रवण की है ना, इस वजह से इसको अब नरक में नहीं जाना पड़ेगा। इस बात को लेकर के थोड़ा यमराज के यमदूतों में और शिवगढ़ों में विरोध होने लगा, लड़ाई झगड़ा होने लगा। शिव महापुराण में तो वर्णन आता है कि भगवान शिव के गढ़ों ने यमदूतों की पिटाई कर दी। जब पिटाई हो गई, छुड़ा करके देवरात की अंतरात्मा को लेकर के शिवगण जब जाने लगे, दरवाजे पे शोर यमराज जी ने सुना, दौड़ करके आए तो देखा कि भगवान शिव के पार्षद देवरात को लेकर के जा रहे हैं। उनको देखते ही समझने में देर नहीं लगी। यमदूत कहने लगे, महाराज हम ऐसे पिटते रहेंगे क्या है? अरे हर कोई आता है हमको पीट के चला जाता है। अजामिल को लेने के लिए गए तो भगवान विष्णु के पार्षदों ने पिटाई कर दी, और आज हम देवरात ब्राह्मण को लेने के लिए आए तो भगवान शिव के पार्षदों ने पिटाई कर दी। तो महाराज हमारी क्या कोई वैल्यू नहीं है? क्या कोई हमारी इमेज नहीं है? जो भी आता है ढोलक